hearts. এখানেই থেকে যায়। আপ পেলে স্ট্রিংস অফ হার্ট কা কেয়ার বতাইয়ে। स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स का हाँ। इसका लिए भी मैं वही कंपोज यूज करता हूँ जो मैंने बताया और इसका जो कटिंग निकालने के लिए इसका जो डाल होता है ये जो डाल होता है ना इसको हम सोयल में ऐसे लेयरिंग करवा देते हैं ऐसे ठीक है। ये तो जमीन में भी कर सकते नहीं तो बड़ा पॉट जो होता है ना बड़ा पॉट में लेके आप लेयरिंग कर सकते हैं। इसे लेयरिंग करके छोड़ दीजिए और उसके बाद में जब इसका रूट आने लगेगा तो आप तोड़ के उसको लगा सकते है। और सॉइल मीडिया बताइए। सोयल मिक्सचर इसमें आपका कोकोपीट आपका कोकोपीट और वो जो कंपोस्ट माल का 50-50 है ठीक है। उसके बाद में आप इसमें काउडंग यूज कर सकते हैं थोड़ा सा 10% जैसा स्ट्रिंग ऑफ हार्ट में। स्ट्रिंग ऑफ हार्ट ये तो वेरीगेटेड है ना। वेरीगेटेड है लैंड में होगा ये। ये हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ओके और हाँ। इसको भी वाटरिंग 3 डेज में एक बार करना ही पड़ेगा। हैंगिंग पॉट में लगा के okay. आप हैंगिंग पॉट में लगा के जुलाएंगे तो इसका ग्रोथ जल्दी भी होगा। नहीं इसमें वाटर स्प्रे करना है। वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं। ओके okay. और इसका प्रोपेगेशन का तरीका मैंने बता दिया हाँ। और इसका जो आपका केयर तो क्या है आपको 3 दिन में एक बार पानी देना है हाँ। और जब ये आपका सर जो फंगस का प्रॉब्लम है उस वक्त फंगिसाइड दे सकते हैं आपको। देखिए फंगस का प्रॉब्लम हमें तो नहीं पता चलेगा तो क्या महीने में एक बार फंगस फंगिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। महीने में एक बार मैं रिकमेंड नहीं कर ऐसा नहीं बोल सकता कि जो रेनी सीजन है हाँ। जब रेनी सीजन है उस वक्त फंगस का मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है ठीक है। दूसरा टाइम में नहीं होता है। मॉनसून में देना है सिर्फ मॉनसून तो स्प्रे करना है या सॉइल में देना है। आप पानी के साथ जो रेगुलर वाटर आप देते हैं हाँ। उसमें डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। ओके ये तो वेरीगेटेड नहीं है। ये आपका नॉर्मल नॉर्मल सा है वो पिंक वेरीगेटेड। ये पिंक वाला वेरीगेटेड है और इसका ग्रोइंग आपका क्लोरोफिल कम होने के कारण इसका जो ग्रोथ रेट कम है जो नॉर्मल प्लांट्स है। इसका रेट ज्यादा है ग्रोइंग रेट और इसका जो वेरीगेटेड का रेट आपको अलग पड़ेगा और नॉर्मल का रेट अलग पड़ेगा। ओके क्या है इसका प्राइस होलसेल प्राइस क्या है। ये होलसेल प्राइस 50 रुपीज है। ओके स्टिनोफार्ट का और इसका 25 जैसे कि इसका तो बल्ब भी होता है देखिए हाँ। ये बल्ब भी होता है मुझे यही चाहिए यही चाहिए हाँ। तो यही लीजिए जैसे कि हाँ। इसका इसका ऐसे बल्ब भी आएगा हाँ। तो बल्ब को आप इसका तोड़ के सीधा जमीन में लगा सकते हैं आपको मिट्टी में जो मिक्सचर को बल्ब को हाँ बल्ब को हजुर हजुर इतना ज्यादा मेंटेन करने वाला प्लांट नहीं है हाँ। इसको तो हम कटिंग के थ्रू प्रोपागेट करते हैं हाँ। कटिंग के थ्रू प्रोपागेट करके इसको सिर्फ आपको 3 दिन पड़े उसको पानी देते हैं हाँ। उतना ज्यादा मेंटेनेंस ये भी उतना ज्यादा मेंटेन करने वाला प्लांट नहीं है हाँ। टिप्स ही नहीं मैं तो लगा के छोड़ देता हूँ ऐसे ऐसे ही कहीं से भी कहीं यहाँ से भी अगर मैं कट कर दूँ हाँ। तो हो जाएगा मगर वेरीगेटेड में ये प्रॉब्लम है कि ये वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड में ये प्रॉब्लम है कि इसका जो जड़ है ना वो क्लोरोफिल कम होने के कारण में वो सर्वाइव नहीं करता और ये सर्वाइव नहीं ग्रोथ और इसका जो रूट देने का प्रोसेस धीमा हो जाता है कम होता है कम होता है। मैं तो यहाँ पे लास्ट टाइम आई थी।